मणिपुर में दो संप्रदायों के बीच यानी मैताई और कुकी के बीच लड़ाई दमदार माइंड ब्लोइंग वंडरफुल और बढ़िया तरीके से चल रही है। ये देखकर हमें लगा कि मणिपुर के इकोनॉमी शायद अच्छे होंगे और इसीलिए उन लोगों को इनकम की कोई चिंता ही नहीं है और इसीलिए वो लोग अपनों में जमकर लड़ाई कर रहे हैं। तो हमने जाकर गूगल में सर्च किया, इज मणिपुर पुअर और रिच। मणिपुर रैंक्स थर्ड इन बीपीएल इन द कंट्री एट 36.89%। यानी मणिपुर में 37% लोग बीपीएल है यानी दरिद्र सीमा के नीचे। और तो और मणिपुर के ईयरली एवरेज इनकम पर हेड 84,000 है। और इस सिचुएशन में ये सब बिना दिमाग वाले लोग अपनों से लड़ाई कर रहे हैं। चलिए जानते हैं ये हिंसा कैसे स्टार्ट हुआ। मणिपुर में मई मंथ की 3 तारीख को मैताई और कुकी जनजातियों के बीच हिंसा स्टार्ट हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैताई संप्रदाय की मांग है कि उसको कुकी संप्रदायों की तरह राज्य में शेड्यूल कास्ट यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में हिंसा तब और बढ़ गया जब कुकी संप्रदायों ने मैताई संप्रदायों को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये लेकर कुकियों ने कहा इससे सरकार और समाज पर मैताई संप्रदायों का प्रभाव और मजबूत हो जाए जिससे मैताई संप्रदाय को जमीन खरीदने यानी मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में रहने की अनुमति मिल जाएगी। कुकी संप्रदायों का कहना है कि मैताई के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा कुकी संप्रदाय को उखाड़ने का ये एक बड़ा बहाना। मैताई कुकी और नागा मिलिशिया दशकों से परस्पर विरोधी है। मातृभूमि की मांग और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे। आप इन लोगों को कौन समझाए, अपनों के साथ लड़ने से हमेशा अपना ही लॉस होते हैं। बात तो सही है, क्योंकि ये सब बिना दिमाग वाले लोगों को समझाना और हाथी को अंडरवेयर पहनाना एक ही बात है। सोल्यूशन ये है कि जो लोग लड़ाई करने की मूड में हो उन लोगों को गोली से उड़ा दो, बाकी सब ऐसे ही भग जाएगा। अभी मैं जरा लड़ाई देखने, क्योंकि बुद्ध में लोग अपनों में लड़ाई नहीं करते बल्कि लड़ाई को इंजॉय करते। बाय।